ऑल राइट गाइस, सो वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक नाउ में। दोस्तों, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि नेक बैंड खरीदे या फिर ईयरबड्स खरीदे, क्योंकि मैंने दोनों पर ना एक वीडियो बनाए थे, दोनों भी प्रोडक्ट्स पर। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों का एक क्लियर कन्फ्यूजन दूर किया जाए कि नेक बैंड खरीदे या फिर बड्स खरीदे। मेरे पास ये दोनों भी प्रोडक्ट्स हैं, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन से यूज़र के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट रहने वाला है। तो गाइज, इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि क्या है ना, मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव टेक वीडियोस उसके साथ साथ जिन प्रोडक्ट्स पर ऑफर्स वगैरह भी रहती है उनकी वीडियोस में बनाता ही रहता हूँ, तो आपका बहुत सारा फायदा भी हो सकता है उससे। सो गाइज, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। मेरे यूजर्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर पूरे नेक बैंड किए और जो बर्ड्स रहता है उसके यहाँ पर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स नोट डाउन किए हैं कि आपके लिए किस वजह से कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट रहने वाला है। मैं आपको हर एक डिटेल में पॉइंट बताने वाला हूँ, उसके बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ गाइस खुद। तो करें दोस्तों अगर नेक बैंड के साथ, तो नेक बैंड की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि क्या है, ये आपको ऐसे नेक पर वियर करना होता है तो उस वजह से ये रबर की क्वालिटी कंपनी को अच्छी देनी पड़ती है, नहीं तो ये यहाँ से ब्रेक हो गया ना तो ये कुछ काम का नहीं रहता, सारे वायर्स वगैरह इसके अंदर यहीं से फ्लो होते हैं। ये नेक बैंड के अंदर बिल्ड क्वालिटी उस वजह से काफ़ी अच्छी रहती है। उसके साथ यहाँ ये मैग्नेटिकली अटैच होते हैं, कोई भी आप नेक बैंड उठा लीजिए, वन प्लस, रियलमी, ओप्पो या फिर बोट का भी, क्योंकि हर एक नेक बैंड के अंदर सेम ही क्वालिटी और फीचर्स रहते हैं ऑलमोस्ट, मैं कह रहा हूँ आपको। तो ये वीडियो सभी जो बर्ड्स और बैंड रहते हैं उन पर ये वीडियो लागू होता है, तो आप देख सकते हैं ये वीडियो एंड तक, क्योंकि क्या है, इसके अंदर मैग्नेटिक ये कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होते हैं, तो उसका ये फ़ायदा है कि ये जब आप ऐसे अटैच करोगे तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने फ़ोन के साथ, लेकिन जब आपको कॉल्स वगैरह आता है तो आप लोगों को बस सिंपली इसको वेयर ऐसे करना है, आपको फ़ोन के अंदर जाके फिर से ब्लूटूथ ऑन कनेक्ट वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत फास्ट और एक्यूरेटली कनेक्ट होता है, मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ ना तो ये ऑलमोस्ट 1 से 2 सेकंड के अंदर कनेक्ट हो जाता है और आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट होकर कॉल्स वगैरह अटेंड कर पाओगे, ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन गाइज, ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको कॉल वगैरह आता है तो आप लोगों को ये पहले ओपन करना पड़ेगा, फिर ये कनेक्ट करना पड़ेगा आपके ईयर के साथ, तो ये इसके अंदर 2 स्टेप है, तो उस वजह से थोड़ा आप लोगों को ये काम में वक्त ज़्यादा लग सकता है कनेक्टिविटी के मामले में, मैं अगर कहूँ तो। उसके साथ ये जो है ना, ये बहुत स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ आते हैं बर्ड्स, कोई भी आप बर्ड्स देख लीजिए, लेकिन ये स्पेशली ओप्पो का काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, तो बर्ड्स के साथ ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये कॉम्पैक्ट रहते हैं, आप कई बार आपके जेब में वगैरह रख सकते हो, तो उस वजह से आपको काफ़ी अच्छा भी लगता है जब आप बाहर वगैरह घूमने जाओगे। नहीं तो ये नेक बैंड का क्या है, आप लोगों को ऐसे वियर करना ही पड़ता है कंटिन्यूअसली यहाँ, तो ये अभी 2023 के अंदर इसकी फैशन थोड़ी सी आउटडेटेड लग रही है, अब ये नया बर्ड्स का सीज़न चालू हो गया इस साल तो खासकर। दोनों की अगर मैं आप लोगों को नेटवर्क क्वालिटी बताऊँ ना, कॉल की क्वालिटी रहती है ना वो, क्योंकि जब हम लोग इसको ऐसा पहनते हैं तो यहाँ आप लोगों को माइक की पोजिशनिंग दी हुई रहती है, तो जब ये यहाँ से आपको कोई आप बात करते हो अगले पर्सन से तो यहाँ से बहुत नज़दीक होने के कारण आप काफ़ी अच्छी तरीके से और आपका आवाज़ दूसरे पर्सन तक जाता है। मैं खुद इसको टेस्ट कर चुका हूँ काफ़ी बार और मुझे बर्ड्स के कंपैरिजन में यहाँ कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छी और लाउड सुनाई देती है, मैं अपने खुद के ओपिनियन से बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग बर्ड के साथ अगर कंपेयर करें तो ये बहुत छोटे होते हैं और यहाँ इसकी माइक की पोजिशनिंग रहती है, ये बहुत दूर पड़ता है, जब आप बात करोगे तो आप सुन पाओगे अगले पर्सन क्या बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा आप लोगों को कम आवाज़ सुनाई देता है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान देनी है। म्यूज़िक क्वालिटी की अगर बात करें तो दोनों के अंदर सिमिलर ही रहती है, अगर आप लोग प्राइस कंपेयर करोगे अप टू 2000 प्राइस बाय प्राइस ये चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन 2000 तक एक मैं मिड रेंज के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो दोनों के अंदर आप लोगों को म्यूज़िक क्वालिटी और कॉल क्वालिटी का तो मैंने बता दिया कि नेक बैंड के अंदर काफ़ी अच्छी रहती है कॉल क्वालिटी। अगर मैं बैटरी बैकअप की आप लोगों को बताऊँ ना, तो नेक बैंड थोड़े ज़्यादा लॉन्ग लाइफ तक चलते हैं, क्योंकि यहाँ आप लोगों को दोनों साइड बैटरी हुई रहती है दी हुई, तो उस वजह से ये काफ़ी अच्छे चलते हैं। लेकिन बर्ड्स का भी एक एडवांटेज है गाइस, क्योंकि जब आपको पहनना नहीं है तो आप इसके अंदर रख के ऑटोमेटिकली आपके बर्ड्स भी चार्ज होते रहते हैं और ये केस भी चार्ज होता है बाद में अगर आप चार्जिंग पर लगाओगे तो उस वजह से ये काफ़ी अच्छा है। अगर दो आप पर्सन हो और मूवी देखना चाहते हो तो आप दोनों भी अलग अलग आपके कान में लगा के देख सकते हो वो मूवी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके साथ नेक बैंड में ना वैसा नहीं है, आप दो लोग कनेक्ट कर नहीं पाओगे क्योंकि ये वायर कनेक्टेड रहता है, तो
तो ये दोनों का डिफरेंस है, लेकिन बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है। ये TWS बहुत स्टाइलिश और स्लीक दिखते हैं ना, तो उस वजह से आज के डेट में ज़्यादातर लोग TWS ही खरीद रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से यूज़र के लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला, तो उसके बाद आपका कन्फ्यूजन पूरी तरीके से क्लियर हो। TWS बहुत जल्दी आपके खो भी सकते गाइस, क्योंकि इसके अंदर वायर वगैरह की कनेक्टिविटी नहीं रहे थे ना, जब आप ट्रेन में या फिर बाहर घूम रहे हो तो ये बहुत चांसेस है कि गिर भी सकते हैं ज़्यादा भीड़ वाले एरिया में। तो ये इसका नेगेटिव साइड ये है कि आप लोगों को वैसे एरिया में ये आपको जेब में ही रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये इसको ज़्यादा कुछ कनेक्ट नहीं रहता ना गाइज, वायर वगैरह ये आराम से गिर सकते हैं आपको ज़ोर से धक्का वगैरह लग गया तो। लेकिन नेकबैंड के साथ वैसा नहीं रहे, कोई निकाल नहीं सकता। ये देखिए दोनों भी 10 मीटर्स तक इसकी रेंज रहती है, यानी कि एक रूम में आप कहीं पर भी आपका फ़ोन रख के इसको यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी बात है। दोनों के अंदर सिमिलर ही है, ब्लूटूथ वर्जन भी सेम ही रहता है गाइज 5.0, दोनों भी ब्लूटूथ हेडसेट के अंदर, तो आपको कनेक्टिविटी भी दोनों के अंदर सिमिलर ही देखने को मिलने वाली। तो अब बारी आती है वर्डिक्ट की कि कौन से यूज़र को कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। गाइज इसका जवाब देना बहुत सिंपल है, ट्रैवलिंग है या फिर आप कॉल्स अटेंड करते हो ना, तो आपके लिए नेकबैंड ही लेना सही रहेगा। आप भूल जाइए स्टाइलिश है वगैरह वो सब, क्योंकि जब कॉल्स की बारी आती है तो नेकबैंड जैसा कोई नहीं, आज भी दोस्तों मैं कह रहा हूँ। और आपके अगर ज़्यादा गैजेट्स वगैरह भी घूम जाते हैं ना आपके द्वारा, तो आप ये मत लीजिए, आपके लिए ये बेस्ट रहने वाला है। ट्रैवलिंग हो या फिर कॉल्स आप जितने ज़्यादा अटेंड करते हो तो ये आपको नेकबैंड लेना चाहिए। तो अब बारी आती है कि कौन से यूज़र्स को ये वाला ख़रीदना चाहिए ईयरबड्स। तो अगर आपका काम ज़्यादा ऑफिस वर्क है, ज़्यादा आपको घूमना की ज़रूरत नहीं है और कॉल्स भी आपके लिमिटेड है, तो आप ये ख़रीद सकते हो बड्स। लेकिन जब आपको ज़्यादा कॉल्स भी अटेंड करने हैं लेकिन एक जगह बैठकर, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा गिरने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ज़्यादा ट्रैवलिंग में ये कॉल्स अटेंड करोगे ना, इससे ये गिर सकते हैं, मैंने खुद टेस्ट किया, मेरे द्वारा भी एक दो बार गिर गया था ये। तो आप लोगों को ये बात ध्यान देनी है, आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा हो तो आपको ये लेने हैं। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार प्लीज़ बताइए। आपके कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे नीचे भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। आप देख सकते हैं मैंने हर एक वीडियो में जितने भी लोगों को कुछ भी डाउट हो, मैंने आपके हर एक सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरीके से दिया है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय।